ये लोग चार फायर किया। इसके बाद जब मेरा बच्चा उसको पकड़ने के लिए गया तो उस पर भी दो फायर किया। इसको हम लोग कुछ नहीं होने दिए, पकड़ करके यहाँ पे लेके आ गए। पहले पूछा जाए इससे। आपसी सौहार्द बिगाड़ने की नाकाम कोशिश स्थानीय लोगों ने तो पूछा। जी हाँ, खबर गया कि चाकन थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के समीप का है, जहां बुधवार की देर शाम NH-83 पर LRC व CA के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर 5 बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद धरना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना के बाद गोलीबारी करने वाले अपराधी भागने लगे तो उनमें से 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। वे पकड़े गए अपराधियों में 2 नशे की हालत में थे। घटना की सूचना के बाद तत्काल चाकन थाना की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर 3 युवकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए युवकों में अनीश, कमलेश व वीरू शामिल हैं। गोलीबारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं तीनों युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की द्वारा त्वरित कार्रवाई की वजह से कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं इसके लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और गांव के समझदार लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वहीं यह भी कहा गया कि इन लोगों के सूझबूझ की वजह से कोई बड़ी अनहोनी घटना इलाके में नहीं हुई। वहीं धरना स्थल के करीब जिले के वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। रिपोर्टर स्पीच के लिए गया के बड़ा गांव से फैज अहमद की रिपोर्ट।